Hi guys, this is Devang Maheshwari from equalalpha.com and I welcome you all to this channel. Now, in this video, I'll answer a very critical question. Critical question that comes into everybody's mind when they are starting into stock markets. और अगर आपको कुछ time हो भी गया है, तो भी आप ये सवाल का जवाब जरूर ढूंढ रहे होंगे. And the question is, what is the right time to invest? Invest करने का सही समय है क्या? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, क्या कोई सही समय है भी? और अगर कोई सही समय है जिसको कि निकाल सकते हैं तो वो क्या है? हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट. नाउ इन दिस वीडियो आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन, सो कीप वॉचिंग दिस फुल वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग अप आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट टू बी स्टे कनेक्टेड इन द फास्टेस्ट वे देन टेलीग्राम इज द राइट प्लेस, जहां पे हम ऑन रेगुलर बेसिस फ्री स्टॉक मार्केट इनसाइट्स, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, कौन सा अच्छा स्टॉक लग रहा है, हम वो सब ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस हमारी टेलीग्राम चैनल जिसके नाम है equalalpha_stocks वहाँ पे शेयर करते हैं. तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट या इज देयर एनी राइट टाइम टू इन्वेस्ट. फॉर आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट. पहले तो ये समझते कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि यहाँ से ही आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा हमको. जैसे कि आपने कोई भी वेजिटेबल वेंडर देखा है, आपने ज़रूर कोई ना कोई वेजिटेबल वेंडर देखा होगा, वेजिटेबल मार्केट देखा होगा जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ बिकती है. अब ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, ये भी बहुत सिमिलर होता है कोई वेजिटेबल मार्केट का. जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में आप देखेंगे अलग अलग टाइप की सब्जियाँ होती है, वैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टॉक होते हैं. जैसे कि आप उसमें देखेंगे कुछ सब्जियां अच्छी होती है, कुछ सब्जियां बेकार होती है, वैसे ही यहाँ स्टॉक मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स अच्छे होते हैं, कुछ स्टॉक्स बेकार होते हैं. अब अच्छी सब्जी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये सब्जियां अच्छी है, दिस वेजिटेबल इज़ गुड, दिस वेजिटेबल इज़ बैड. वैसे यहाँ पे स्टॉक कोई अच्छा है या कोई कंपनी बेकार है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं समझने के लिए कि यार ये कंपनी को कब अच्छा बोला जा सकता है, कब बेकार बोला जा सकता है. जैसे एक वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं और सब्जी वाले से भावताव करते, यार मुझे ये इतने में चाहिए, यार मुझे ये इतने में ख़रीदना है, इसका भाव सही नहीं लग रहा, ये ओवर प्राइज लग रहा है, ये अंडर प्राइज लग रहा है. वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, जो एक दूसरे से भाव करते हैं कि यार मैं इतने में खरीदूंगा, तुम मुझे इतने में बेचोगे कि नहीं. अब अंतर यह होता है कि जो वेजिटेबल मार्केट होता है ये थोड़ा अनफॉर्मलाइज्ड होता है, जहाँ पे एक ठेला रोड के साइड में या अपने कहीं पे भी लगा लिया एक मार्केट. पर जो स्टॉक मार्केट होता है, दिस इज़ एक्चुअली बीइंग हेल्ड बाय BSE NSE, जहाँ पे एक्चुअली ये स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं. एंड आप इनमें ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको एक ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप खरीद बेच सके लोगों से. अब आप एक चीज़ और समझिए कि कोई भी सब्जी का भाव, कोई भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसका भाव ऊपर नीचे कब होता है? अगर एकदम से आपने ये न्यूज़ बहुत बार देखी होगी दैट द ओनियन प्राइजेस आर जस्ट रॉकेटिंग अप, प्याज के भाव हर कुछ बढ़ जाते हैं, साल में एक बार तो ऐसा होता ही होता है. नाउ व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर इज सम प्रोडक्शन शॉर्टेज. जो ओनियन है वो इतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते और जो डिमांड है वो डिमांड खूब है, तो जो सप्लाई है वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है और डिमांड है वो बहुत सारी है. जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, एकदम से शूट अप होगा, क्योंकि सबको चाहिए और लिमिटेड चीज है. सिमिलरली स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो द सेम. अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा होता है या एकदम से उसमें कोई डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे शेयर्स तो जो है वो लिमिटेड है. यार 1 लाख शेयर लिस्टेड है तो 1 लाख शेयर लिस्टेड है, 2 लाख है तो 2 लाख लिस्टेड है. पर जो डिमांड है वो कम ज़्यादा टाइम के हिसाब से हो सकती है. जब एक साथ बहुत सारे लोगों को कुछ कंपनी में अच्छा लगा तो एक साथ खरीदने जाते हैं, और जब एक साथ खरीदने जाएंगे तो एकदम जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की साइड मूव हो जाएगा. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि वट यू आर ट्राइंग टू डू वेन यू आस्क फॉर वट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यूमुलेटिव दोस थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज डिमांड एंड सप्लाई. क्या एक साथ वो हजारों कंपनी में आज बायर्स ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, किसका फोर्स ज़्यादा है, बुल इज विनिंग और द बेयर इज विनिंग? नाउ लेट मी टेल यू दैट, एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन टू द मार्केट्स रादर देन टाइमिंग द मार्केट. क्योंकि आप एक साथ इतनी सारी कंपनीज में क्या होगा वो पता लगाना इम्पॉसिबल है. तो मार्केट को टाइम करना जो है वो बहुत टफ होता है, एंड आई हैव हार्डली सीन एनीबॉडी इज़ टाइमिंग द मार्केट करेक्टली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. देखिए कभी कभी तो सबसे हो जाता है, आप बोलेंगे निफ्टी क्रैश और सही में हो गया, पर हर बार होना इज़ अ डिफरेंट थिंग.
तो एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दैट वॉट मेक्स मनी इट्स नेवर द इंडेक्स विच मेक्स मनी इट्स ऑलवेज द स्टॉक्स जिनमें कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आपको जो मतलब होना चाहिए वो स्टॉक्स से होना चाहिए एंड आप मार्केट को तो टाइम नहीं कर सकते बट आप पर्टिकुलर स्टॉक्स को टाइम जरूर कर सकते आप पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक का डिमांड सप्लाई एनालिसिस कर सकते नाउ इस डिमांड सप्लाई एनालिसिस को ही टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं जहाँ पे आप कौन जीत रहा है वेदर द डिमांड इज विनिंग वेदर सप्लाई इज विनिंग ये आप समझते हैं यूजिंग स्टॉक चार्ट्स तो स्टॉक चार्ट्स आर अ मीन टू रीड अप द सेंटिमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड वंस यू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ इट यू कैन डिसाइड अपॉन whether this will go up further, whether this will go down further, and also you can use up your more technical filters like, for example, chasing about breakout, volume analysis, price analysis, etc., etc. There are different means. Okay, so there is no right time to invest into market, but आपको यहाँ पे हमेशा रहना जरूरी है क्योंकि कब कौन सी चीज चलेगी, कब कौन सी चीज आगे होगी, ये suddenly नहीं होता है. इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए कि यार कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है कौन सी स्टॉक में क्या चीज़ हो रही है आज वॉल्यूम्स का मूव हो रहे हैं अगर आप ये सब चीज़ ढंग से करते जिसको कि आप प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस बोल सकते हैं और मोस्ट पॉपुलरली इट इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन एनालिसिस अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करते और आप फंडामेंटल स्टडीज को भी इम्प्लीमेंट करते उसके साथ तो ये बहुत पावरफुल होता है वन मोर एग्जाम्पल दैट आई कैन शेयर विथ यू इज दैट In April, March, the stock market crashed, right? The Nifty crashed by nearly 35-40%. However, अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो जब निफ्टी गिर रहा था जब निफ्टी बॉटम बना रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि गिरने की वजह बढ़ रहे थे एंड ये जो स्टॉक्स होते हैं ये आपको बता रहे हैं कि यार मैं मार्केट से भी रिवर्स जा रहा हूँ मतलब यहाँ पे हाई डिमांड है एंड आपको उस चीज़ को ही रीड करना है अगर आपको टाइम करना है कोई भी स्टॉक को तो आपको ये चीज़ रीड करना आनी ही चाहिए तभी आप ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सो टेक्निकल एनालिसिस इज द वे टू टाइम अप स्टॉक्स आई वुड स्टिल से इट्स नॉट अ वे टू टाइम अप मार्केट्स इट्स नॉट टफ टू टाइम अप अ पर्टिकुलर स्टॉक इफ यू हैव दोज सेट ऑफ रूल्स इफ यू हैड दैट सेट ऑफ स्ट्रैटेजी इफ यू नो वट प्राइस एक्शन एनालिसिस इज एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट So the answer is you can time up the market, but you can certainly time up the stocks by use of technical analysis. And that's one thing which you should definitely learn for. So thank you for watching this video. I hope this video added a value. See you guys.